नमस्कार, मैं पूजा भंडारी आपका मोटिवेटेड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में बताऊंगी, क्योंकि इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे नहीं होता, बल्कि हम इन घटनाओं से काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो आइए आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज ही दिन 1850 में अमेरिकी नौसेना में कोड़े मारने की सजा समाप्त कर दी गई थी। आज ही के दिन 1879 में वजन एवं माप पर पहला महासम्मेलन हुआ था। आज ही के दिन 1892 में फुटबॉल का पहला रात्रि मैच हुआ था। आज ही के दिन 1895 में फ्रांस के प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक लुईस पाश्चर का निधन हुआ था। लुई पाश्चर ने अपनी महान वैज्ञानिक खोजों के द्वारा बीमारी के दौरान घाव उत्पन्न होने की स्थिति में जो असहनीय पीड़ा होती है उससे मुक्ति दिलाकर एक बड़ी मानव सेवा की थी। आज ही के दिन 1907 में 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। आज ही के दिन 1929 में सुर सम्राज्ञी महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। ये भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। आज ही के दिन 1950 में इंडोनेशिया संयुक्त राज्य का 60वां सदस्य बना था। आज ही के दिन 1977 में भारत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ था। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया था। आज ही के दिन 2004 में विश्व बैंक ने भारत को विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया था। आज ही के दिन फ्रांस की चिकित्सा टीम ने 2006 में लगभग 0 गुरुत्वाकर्षण में एक व्यक्ति का सफल ऑपरेशन किया था। आज ही के दिन मुख्यमंत्री मायावती ने 2011 में 72 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में पंचशील नगर, प्रभुत्व नगर और संभल नामक 3 और जिले के निर्माण की घोषणा की थी। आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का जन्म 1982 में हुआ था। अभिनव बिंद्रा ने 15 वर्ष की उम्र से निशानेबाजी करना आरम्भ कर दिया था। आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर का जन्म 1982 में हुआ था। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता अपना पहला अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, जिससे मेरी वीडियो आप ही को सबसे पहले मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आज के दिन से जुड़ी इन घटनाओं के बारे में जान सके। तो आज के इतिहास में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे कल के इतिहास के साथ। धन्यवाद।